नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब से जोमैटो में साइकिल की आईडी नहीं बनेगी, यानी अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जोमैटो कंपनी में काम कर सकते हो। और आप सोच रहे हो कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप सोच रहे हो कि आप साइकिल से यहाँ पर जोमैटो ज्वाइन कर सकते हो, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जोमैटो कंपनी ने आपकी साइकिल की आईडी बंद कर दी है। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, साइकिल की आईडी जोमैटो कंपनी ने क्यों बंद की है, क्या वो सबसे बड़ा कारण है? दोस्तों, मेरी पर्सनली जोमैटो के टीम लीडर से बात हुई है और मैं ऑडियो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप उस ऑडियो को भी सुन सकते हो। दोस्तों, फिलहाल जोमैटो ने अब साइकिल की आईडी बंद कर दी है। सबसे बड़ा ये कारण था कि जिस भी सिटी में साइकिल की आईडी बन रही थी, लड़के वहां पर क्या कर रहे थे, जो भी इस कंपनी में काम करते हैं, यानी उनकी साइकिल की आईडी है और वो जो ऑर्डर को बाइक से डिलीवर करते थे, यानी जो उनके पास 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 के ऑर्डर आते थे तो वो बाइक से डिलीवर करते थे। साइकिल की जिसकी भी आईडी बनती है तो उसके पास 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 के ऑर्डर आते हैं, यानी कि नियर लोकेशन के ऑर्डर आते हैं, और जल्दी से बाइक से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर देते थे। और जो जिनकी बाइक की आईडी बनी थी उनके पास बहुत ऑर्डर कम आते थे। तो इस वजह से ये फ्रॉड देखते हुए यहाँ पर राइडर का फीडबैक जोमैटो की तरफ गया है। उस फीडबैक से यहाँ पर जोमैटो कंपनी ने साइकिल की आईडी काफ़ी सिटी में बंद कर दी है। हालांकि अभी फिलहाल किसी किसी सिटी में साइकिल की आईडी बन रही है और काफ़ी लड़के मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं कि सर, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या मैं जोमैटो में काम कर सकता हूं या नहीं? तो दोस्तों, आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा अपनी सिटी में जाकर, जिस भी सिटी में आप काम करना चाहते हो, कि वहाँ पर आपको जोमैटो के डिलीवरी राइडर मिलेंगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहाँ पर उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर साइकिल से भी राइडर काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर आप उनसे किसी भी टीम लीडर का नंबर ले सकते हो अपनी लोकेशन के हिसाब से, जिस लोकेशन में आप काम करना चाहते हैं। तो वहाँ के टीम लीडर से आप बात कर सकते हो कि यहाँ पर हम साइकिल से ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हो जोमैटो कंपनी में, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपकी साइकिल की आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी बाइक की आईडी बन जाती है। और दोस्तों, काफ़ी लड़के यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमारे पास लर्निंग लाइसेंस है, क्या उससे बाइक की आईडी बनेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं बनेगी आपकी। पिछले 2 सालों से, यानी कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी जोमैटो आईडी बाइक वाली बन जाएगी, वरना आपकी नहीं बनेगी। पहले क्या था, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल नहीं है, आपके पास लर्निंग है, तो आपकी साइकिल की आईडी बना दी जाती थी, तो आप फिर ऑर्डर कर सकते थे जोमैटो कंपनी में। अभी फिलहाल आपकी जोमैटो की जो आईडी है साइकिल वाली, वो आपके बंद कर दी गई है। अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जोमैटो कंपनी को आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आप अपने लोकेशन में काम कर सकते हो। और काफ़ी लड़के हमें कमेंट करते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, क्या हम बिना पैन कार्ड से जोमैटो को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक मेन यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, पैन कार्ड का, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आप जोमैटो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। अगर आप 8th पास हो या फिर 10th पास हो या फिर 12th पास हो, आप इसमें काम कर सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी लड़के यहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि जो बाइक है, यानी वो मेरे नाम पे नहीं है, फैमिली में से किसी मेंबर के नाम है, वो चल जाएगा, यानी बाइक किसी और के नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आरसी किसी और के नाम पर है। सिर्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके नाम से होना चाहिए और पैन कार्ड आपके नाम से होना चाहिए, और जो आप क्वालिफिकेशन दोगे वो आपके होने चाहिए। बैंक अकाउंट और बाइक की आरसी किसी के नाम हो वो चल सकता है, फैमिली में से आप बैंक अकाउंट किसी का भी दे सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से अब आपकी जोमैटो आईडी साइकिल की बंद हो चुकी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास पैन कार्ड है और आपके पास बाइक है और आपके पास बैंक की कापी है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। और अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।